दिस इज हाउ अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स आर बिल्ट। दोस्तों, दुनिया की आबादी दिन दोगुनी रात चौगुनी तेजी से अपने कदम पसार रही है और आने वाले टाइम में तो लोगों की जमीन पर कदम रखने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से अंडर वाटर प्रोजेक्ट्स और फ्लोटिंग सिटी का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से भरा हुआ है। पर सवाल ये आता है कि इतने गहरे पानी में तेज लहरों के बीच अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स आखिर किस तरह पाए जाते हैं और इन्हें बनाने में किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, टेंशन लेने की कोई बात नहीं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको पानी के अंदर बनाए जाने वाले कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखाने वाले हैं जो वाकई में आपका दिमाग घुमा कर रख देंगे। कॉफर डैम। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कॉफर डैम के बारे में, जिसका आइडिया बहुत ही ज्यादा यूनिक है। अगर आप कभी किसी डेंटिस्ट के पास अपने दांत दिखाने गए होंगे तो डेंटिस्ट सबसे पहले आपके मुंह के अंदर एक बहुत ही अजीब सा टूल डालता है, जिसकी वजह से हमारा मुंह खुला रहता है और हम चाहकर भी उसे बंद नहीं कर सकते। फिर उसके बाद डॉक्टर बड़े आराम से दांतों का ट्रीटमेंट शुरू कर देता है। ठीक है, ऐसा ही अंडर वाटर स्ट्रक्चर बनाने के तरीके में भी देखा गया, जहां पर पानी के अंदर किसी भी प्रकार का बेस तैयार करना तो बहुत ही मुश्किल काम है। ऊपर से वर्कर्स की सेफ्टी का भी सवाल खड़ा होता है। इन्हीं सब चीजों को सोचकर कॉफर डैम का आइडिया निकाला गया, जिसमें होता यह है कि स्टील और कॉन्क्रीट का वाटर प्रूफ कॉफर डैम बनाकर तैयार किया जाता है और फिर उसे बड़ी बड़ी क्रेन मशीन की मदद से पानी के अंदर सेट कर दिया जाता है, ताकि कॉफर डैम के अंदर पानी ना आए। और जब ये पूरी तरह से पानी में सेट हो जाता है तो वर्कर्स इसके अंदर अपना अंडर वाटर स्ट्रक्चर बनाने का काम शुरू कर देते हैं, जो कि पूरी तरह से सुरक्षित हो जाता है। और इसमें स्ट्रक्चर का जो बेस तैयार होता है वो भी पानी की वजह से खराब नहीं होता। बस इसकी बुरी बात यह है कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है और इसका इस्तेमाल भी मल्टीपल टाइम्स नहीं किया जा सकता, इसलिए जब ये इस्तेमाल करने लायक नहीं होता तो डुबा दिया जाता है। फायर रेस्टोरेशन। अच्छा दोस्तों, चलिए बताइए, क्या ज्यादा मुश्किल होता है किसी भी चीज को शुरुआत से बनाना या फिर बनी बनाई चीज को ठीक करना? जवाब देने में जल्दी मत कीजिएगा, पूरी तरह से सोच लीजिए। क्योंकि मेलबर्न में जब 580 मीटर के एक घाट की मरम्मत करने के लिए उसको जब ठीक करना था तो वर्कर्स के पसीने छूट गया। ऑस्ट्रेलिया में बना प्रिंसेस नाम का घाट ये बहुत ज्यादा ही जरूरी था, क्योंकि पहले दूसरे विश्व युद्ध में ऑस्ट्रेलियन ट्रूप्स का ये डिपार्चर पॉइंट हुआ करता था। सिर्फ इतना ही नहीं, पोस्ट वॉर माइग्रेंट्स के लिए भी ये लैंडिंग सैटेलाइट था। अब हिस्टोरिकल तौर पर देखा जाए तो इसकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस थी, इसीलिए इस हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर को पहले से बेहतर बनाना था। और इसी सोच के साथ यहाँ पर वर्कर्स ने काम करना शुरू कर दिया, जिनमें से कुछ जगहों पर तो डैमेज इतना ज्यादा था कि उसे वापस से ठीक भी नहीं किया जा सकता था, जिसके चक्कर में न जाने कितनी बार तोड़फोड़ की गई और फिर उसे वापस से बनाया गया, जिसमें कुछ ज्यादा ही समय लगा। और वो तो आजकल के एडवांस टेक्नोलॉजी वाली मशीन की वजह से इस मुश्किल काम को आसान कर दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ प्रोफेशनल डाइवर्स ने पानी के अंदर जाकर इसको अंदर से रिकंस्ट्रक्ट किया, तब जाकर इस घाट को बिल्कुल नए जैसा सुंदर और मजबूत बनाया जा सका। ब्रिज इन द यूएसए। जब आप बड़े बड़े ब्रिज को बने हुए देखेंगे तो आपके दिमाग में भी यही ख्याल आता होगा कि आखिर इसे बनाया कैसे जाता है। तो दोस्तों, एक ब्रिज को बनाने के लिए कई सारे प्रोसेस गुजरना पड़ता है। अगर हम यूएसए में बने ओल्ड स्टिल वाटर ब्रिज के बारे में बात करें तो एक समय ऐसा था तब यहाँ पर बने हुए ब्रिज की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी और यहाँ नया ब्रिज बनाने के लिए बिल्डर्स को कई सारी अलग अलग चुनौतियों का सामना करना था, क्योंकि ये रिजर्व या स्टेट कंट्रोल प्रोटेक्शन के अंदर आता है और यहाँ पर एंडेंजर्ड स्पीशीज भी रहते हैं, जिन्हें अगर हल्की सी भी खरोंच आई तो एक्टिविस्ट धरना देने के लिए ऑलरेडी तैयार थे। यानी कि इस ब्रिज को बनाने में गलती की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी, यहाँ हर एक कदम फूंक फूंक कर रखना था, वरना इस ब्रिज का निर्माण रुक सकता था। और इसीलिए 20 सालों तक लगातार इस प्रोजेक्ट में तरह तरह के बदलाव आते रहे, परंतु साल 2014 में मिनेसोटा डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ने सोल्यूशन निकाला, जिसमें उन्होंने एक स्पेशल इनोवेटिव डिजाइन को तैयार करने का निर्णय लिया, जो कि वातावरण के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो और उससे एनवायरमेंट में ज्यादा नुकसान ना हो। के लिए इन्होंने ब्रिज के सपोर्ट के लिए लगाए जाने वाले पिलर्स की संख्या कम कर दी, जिसका नतीजा आप देख ही सकते हैं कि 1.5 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज में केवल 5 सपोर्ट सिस्टम लगे हुए हैं। हालांकि इसमें बिल्कुल इनोवेटिव टेक्नोलॉजी और हाई क्वालिटी की मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया था, जिस वजह से ब्रिज की लागत करीब $700 मिलियन तक पहुंच गई। विंड फार्म एट सी। और अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि ब्रिज बनाने वाला प्रोजेक्ट उतना ही ज्यादा चैलेंजिंग नहीं था, तो जरा बॉकहम आइलैंड के इस प्रोजेक्ट पर नजर डालिए, क्योंकि साल 2016 में जर्मनी ने यह निर्णय लिया कि वो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करने के लिए विंड पावर का काफी बड़ी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसके लिए अब समुद्र से अच्छी हवा कहाँ चल सकती थी, इसलिए उन्होंने अपना विंड फार्म समुद्र में बनाने की सोची। पर यहाँ मुश्किल ये था कि आखिर इसे पानी में बनाया कैसे जाए। इस फार्म में 67 टर्बाइंस, जिसमें 154 मीटर का रोटर लगा हुआ था, जिसकी वजह से 402 मेगावाट की पावर जनरेट होती थी। इतनी पावर करीब लाखों घरों को रोशन करने के लिए काफी होती है। पर यहाँ सबसे ज्यादा मुश्किल काम विंडमिल्स के फाउंडेशन को तैयार करना था।
जिसके लिए स्पेशल पाइप तैयार किए गए। यहाँ हर एक पाइप 50 मीटर लंबा था और उसका डायमीटर करीब 8 मीटर था। अब इससे तो आप समझ गए होंगे कि ये पाइप कितने ज्यादा विशालकाय हैं। और इन्हीं पाइप्स की मदद से समुद्र में विंड मिल बनाने का ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया, जिसमें मुश्किल से 23 महीनों का वक्त लगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ब्रेक वाटर। अब जरा आप इस अनोखे स्ट्रक्चर पर भी नजर डालिए, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि ये एक बड़ी सी सांप की पूंछ है। पर दोस्तों, इसे मौज मस्ती के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि यहाँ इसराइल के 3 सबसे बड़े बंदरगाहों हैं। और दोस्तों, यहाँ से ट्रांसपोर्ट किए जाने वाले माल के हिसाब से देखा जाए तो ये पूरे ईस्टर्न मेडिटेरियन का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में सामान को लाया और ले जाया जाता है, जिस वजह से यहाँ की प्रोटेक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और ये आप सांप जैसी पूंछ का जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये असल में एक घाट है जो कि कुछ किलोमीटर तक फैला हुआ है और जो समुद्र की तेज लहरों को आगे नहीं जाने देता। इस जगह की प्रोटेक्शन के लिए घाट को कई अलग अलग स्टेटस में बनाकर तैयार किया गया था। सबसे पहले तो लेयर बाय लेयर, इस पर एक बेहतरीन कॉन्क्रीट फाउंडेशन के बाद इन कॉन्क्रीट ब्लॉक्स को ऊपर से लगा दिया गया ताकि ये समुद्र की लहरों को काट सके। और आज इसी घाट की वजह से इतने बड़े बंदरगाह की प्रोटेक्शन होती है। ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म। आपके दिमाग में भी कभी ना कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर समुद्र में ऑयल रिग्स कैसे आए। तो दोस्तों, आइए बताते हैं। इसको बताने के लिए गल्फ ऑफ मेक्सिको चलते हैं, जहां एक बहुत बड़ा फ्लोटिंग ऑयल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, जिसके लिए सैकड़ों की संख्या में इंजीनियर्स ने प्लेटफॉर्म का ये डिजाइन तैयार किया है। और इस डिजाइन को तैयार करने में ही पूरे 4 साल का वक्त लगा दिया, क्योंकि यहां पर केवल साइज मैटर नहीं करता बल्कि और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे ये प्लेटफॉर्म 29 मंजिला ऊंची इमारत जितना ऊंचा है और 2 फुटबॉल फील्ड जितना चौड़ा है। साथ ही इसका वजन एयरक्राफ्ट कैरियर से भी ज्यादा है। और इस तरह के स्ट्रक्चर को तैयार करने में टाइम तो लगता ही है। और इसे बनाने वाले इंजीनियर्स ये चाहते थे कि ये प्लेटफॉर्म करीब 40 सालों तक चले। पर यहाँ सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि ये प्लेटफॉर्म जिस जगह पर बना था वहाँ का वेदर कंडीशन बहुत ही खराब था। लेकिन फिर भी यहाँ काम करने वाले इंजीनियर्स ने अपना खून पसीना एक कर दिया और कुछ ऐसे मजबूत पाइप इंस्टॉल किए जो आने वाले 40 सालों तक चल सके। जब इसका कंस्ट्रक्शन हुआ तो पूरे 2 साल का वक्त लगा, जिसमें 4 एंटीक मॉड्यूल्स तैयार किए गए और हर एक मॉड्यूल करीब 10,000 टन का वजन का था, जिसे तैयार करने में काफी मेहनत लगी। इन सारी मुसीबतों के बावजूद यहां के इंजीनियर ने इस प्लेटफॉर्म को बनाकर दिखा दिया। फ्लड प्रोटेक्शन। दोस्तों, जब समुद्र का स्तर बढ़ता है तो बाढ़ जैसे नज़ारे देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। और इसी की वजह से हजारों लोगों को ना सिर्फ अपना घर छोड़ना पड़ता है बल्कि कई लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। ऐसे में बाढ़ को रोकने के लिए कोई ना कोई अजीब तरकीब आजमानी पड़ती है, वरना कुछ इलाकों में पानी का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वहाँ पर बाढ़ आने की आशंकाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। इसी कारण यूके के हेलेन आइलैंड में फ्लड प्रोटेक्शन सिस्टम का कंस्ट्रक्शन निर्णय लिया गया, वरना समुद्र के बढ़ते स्तर से बाहर अगर ये समुद्री लहरें बाढ़ का रूप लेने लगी, जिसके लिए पूरी तरह से तैयार भी थी, जो 1,00,000 लोगों की जिंदगी तबाह कर सकती थी, इसीलिए लैंड की प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी था। ऐसे में सबसे पहले तो उन्हें ये बात मालूम थी कि अगर ये कुछ भी कंस्ट्रक्ट करने के लिए जाएंगे तो समुद्र की लहरें इनके काम में बाधा डालने के लिए पहुंच जाएंगे। इसलिए सबसे पहले इन्होंने रेत को ऊपर की तरफ चढ़ा दिया और फिर वहां काफी बड़े बड़े पत्थर लगा दिए गए। करीब 6 महीनों तक 70,000 पत्थर नॉर्वे से मंगवाए गए ताकि ये लोग एक प्रोटेक्टिव वॉल तैयार कर सकें। वैसे इस पूरे प्रोजेक्ट में 6 से 7 मिलियन डॉलर्स का खर्चा आया था, पर इस प्रोटेक्टिव वॉल की वजह से यहाँ रहने वाले लोग करीब 100 सालों तक बाढ़ की समस्या से बचे रहेंगे। अब आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।